सो हाय कुशल। हेलो। यस सर, हमारी ऑडियंस को हम बताना चाहेंगे इतना बड़ा अचीवमेंट और इतना बड़ा सक्सेस आपने कैसे अचीव किया है। सो प्लीज़ गिव योर इंट्रो इन शॉर्ट। इंट्रो, मेरा नाम कुशल गर्ग है और इस बार मेरा नीट में स्कोर 700 था। ये मेरा यस दूसरा अटेम्प्ट था। मैंने पहला अटेम्प्ट नीट 2020 में दिया था, जिसमें मेरा स्कोर 531 ही रह गया था। यस और जो भी मतलब ड्रॉप ईयर में मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ, मैं उसका जो क्रेडिट है पूरा ही वो अपनी कोचिंग दक्षिणा को ही दूंगा, जहाँ से मैंने कोचिंग लिया। और बहुत अच्छे से अपने ड्रॉप ईयर में जो 531 से 700 का आंकड़ा है, मतलब टच करना जो होता है, वो बहुत आसानी से कर पाया। इस बार यस मेरा AIR 165 है और EWS रैंक 9 है। यस 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 वेरी नाइस वेरी नाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जितना थैंक अगर यू। बोला जाए तो बहुत ही कम है। ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो 700 इतना मार्क कोई मजाक नहीं है। 720 से 700 कोई लाता है तो ये इतना बड़ा आपको इंस्पिरेशंस मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। इतना बड़ा आपको जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स, सीक्रेट्स और टेक्निक्स है स्टडी के लिए, वो सब कुछ मिलने वाला है। सो इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो से जो आपका इंस्पिरेशन वो 200 तक बढ़ जाएगा। आपकी पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा स्कोर कैसे कर लिया है। सो सबसे पहले यहाँ पर 700 स्कोर करने के पीछे ये बता रहे कि दक्षिणा फाउंडेशन जो कि कोचिंग प्रोग्राम है, सिर्फ एक साल के ड्रॉप के अंदर 531 से लेकर 700 तक का सफ़र तय किया है। सो सबसे पहले आपका रैंक 165 है, राइट? यस। सो इसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है और आपको कौन सा मिल जाएगा? देखिए, AIR 165 है मेरा जनरल कैटेगरी में, यस पर जो EWS रैंक मेरा 9 है, उसकी वजह से मेरे को एम्स दिल्ली मिल सकता है, जो सबका ड्रीम कॉलेज होता है। यस राइट। सो इसमें एम्स में कितने कॉलेजेस हैं और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, रहेगा दिल्ली रहेगा या फिर दूसरा है? एम्स दिल्ली मेरा तो ड्रीम कॉलेज, वो रैंक 1 पे है सब मेडिकल ये कॉलेजेस में। यस रैंक 1 पर है, जो कि EWS में से आपका रैंक 9 है, तो आपका इसमें आसानी से लग जाएगा। 10 सीट्स होती हैं एम्स में। 10 सीट है जो कि आपका 9 नंबर लग सकता हाँ है, हाँ लगेगा हाँ ही, 100% श्योर है। यस वेरी नाइस। सो गाइज, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर एम्स कॉलेज हर किसी का सपना रहता है और दिल्ली जैसा कॉलेज मिल रहा है। सो वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को इतनी मेहनत से हम यहाँ पर आपके सामने लाए, एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे वो है कि 700 आपने तय किया है एक साल के अंदर, एक ड्रॉप के अंदर 531 से लेकर 700 तक, इतना स्कोर आपने एक साल में कैसे कर लिया? ये स्कोर जो मतलब पहले शुरुआत में मैंने करा था, जनवरी से सितंबर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। यस मतलब जनवरी 2020 में प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका था मैं नीट 2020 के लिए। यस सो प्रिपरेशन मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से की थी स्टार्ट, मतलब आपने नाम सुना होगा अनअकैडमी का, यस यस मैंने राइट। वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी, हाँ और थोड़ा बहुत बूस्ट मिला प्रिपरेशन को, बट वो सितंबर तक इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो पाया कि वो हाँ क्वालिफाई कर जाऊँ नीट यस एग्ज़ाम को, और 531 स्कोर रह गया था। सो जब मैं कोचिंग में गया दक्षिणा में December 4 में, तो बेसिक क्लियर मेरा पहले से हो चुका था अनअकैडमी से, और थोड़ा बहुत फाउंडेशन बिल्ड था, मतलब कि मेरे को ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत थी नहीं थी। दक्षिणा में जाके फिर टीचर्स और वहाँ का जो फैकल्टी था वो ऊपर ऊपर मतलब बढ़ाता गया, और ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि टीचर्स ने बहुत अच्छे से साथ दिया। यस डीमोटिवेट हो तो मोटिवेट टीचर कर देते थे हमेशा, और मतलब जो कंटेंट था उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, कि कंटेंट जो डिलीवर करते थे टीचर्स वो यस बिल्कुल कंसाइज होता था। यस अगर एक प्रिपरेशन में जो खास बात होती है कि आपका कंटेंट कंसाइज होना चाहिए। आप नीट यस के लिए पढ़ रहे हैं तो नीट के कंटेंट पढ़ें, जेई के लिए पढ़ रहे हैं जेई का कंटेंट पढ़ें, यस वरना ज़्यादा पढ़ेंगे तो उसका कोई फ़ायदा कभी होता ही नहीं है। ओके। सो जो आपका प्रिपरेशन है वो बहुत ही एक्यूरेट रहा है, इसी के कारण आपका 700 स्कोर हो पाया है, यही कहना चाहेंगे सभी ऑडियंस की तरफ से और हाँ, सब ऑडियंस के लिए, राइट? सो यही। एग्जैक्टली नीट एंड जेई में डिफरेंस क्या रहेगा, अगर मैं पूछूं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पर्टिकुलरली, तो बायो तो वैसे नहीं रहेगा। मैंने दोनों एग्जाम में दिए, JEE 2020 भी दिया था और JEE 2021 भी दिया था। ओके। सो डिफरेंस मैं कहूँगा कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री JEE का लेवल होता है वो नीट से थोड़ा अपर लेवल होता है। ओके अगर नीट वाला स्टूडेंट JEE पढ़ेगा तो एक बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसका, ओके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ड्रॉप ईयर में वो JEE का कंटेंट ना पढ़े, ओके क्योंकि ओके ड्रॉप ईयर में बच्चे के पास टाइम कम होता है। सो अगर वो JEE का कंटेंट पढ़ेगा सो
इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। यस राइट। अगर कोई 2 ईयर प्रोग्राम वाला है तो वो जे का कंटेंट पढ़ सकता है नीट के प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, क्योंकि इतना लेवल का डिफरेंस नहीं होता उनके बीच। सो आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया था, 11th स्टैंडर्ड या फिर 12th स्टैंडर्ड में? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 11th 12th तक तो मेरा ये भी नहीं था कि डॉक्टर बनना है, भी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था इसके बारे में। ओके। बस रैंडम एक थॉट आया, चलो एक बार नीट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। हाँ। सो जनवरी 2020 में मैंने स्टार्ट किया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। यस। और फिर सितंबर तक मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किया, उसके बाद दक्षिणा ज्वाइन कर लिया था मैंने ड्रॉप ईयर के लिए। सो लॉकडाउन का कुछ इफेक्ट था क्या आपका, जैसे 531 आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, वैसे तो बहुत खास है और 531 इतना मुश्किल होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आता किसी किसी का, बहुत स्टूडेंट का नहीं आता, लेकिन कोरोना का कुछ हुआ था क्या आपका, इफेक्ट कुछ पड़ा था क्या? कोरोना का इफेक्ट तो मेरे लिए जो था फ़ायदेमंद ही था, क्योंकि 12th के बाद बच्चे को टाइम नहीं मिलता प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मई में एग्ज़ाम हो जाता है नीट का। सो मई से लेकर जो एग्ज़ाम सेप्टेम्बर में हुआ था शिफ्ट, ओके, उसकी वजह से टाइम मिल गया मुझे, वही जो है मेरा 531 स्कोर ला पाया नीट 2020 में। ओके। क्योंकि मेरे को प्रिपरेशन का टाइम मिल गया, सो मैंने अन अकेडमी और बाकी अदर प्लेटफॉर्म से, मैंने बहुत बहुत सारे टीचर से पढ़ा वैसे मैं ऑनलाइन में। ओके। सो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हो गया, तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो मेरा लॉकडाउन पे कुछ नहीं था। यस राइट। सो आप पॉजिटिवली इसको बहुत अच्छे से लिया है, जो भी स्टूडेंट घर बैठे बैठे नहीं कर पाए, लेकिन आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुना अन अकेडमी जैसा, वैसे कोई भी चुन सकता है, वैसे पर्टिकुलर में किसी का नहीं नाम लूँगा, लेकिन ऑनलाइन भी कोचिंग करना और वो पर्टिकुलरली न्यू थिंग थी उस टाइम पे 2020 जो भी लॉकडाउन रहा मार्च से या फिर फरवरी से, वो अलग था, लेकिन वो भी आपका मन उसमें लगा दिया और ऑनलाइन स्टडी की। तो ऑनलाइन के ही बेसिस पे कोई नेट क्रैक कर सकता है क्या, अगर एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो? फॉर श्योर, ऑनलाइन बेसिस पे आराम से नीट क्रैक हो सकता है। yes. बस फोकस रहने की ज़रूरत है, यहाँ वहाँ डाइवर्ट होने का कोई बात नहीं है। ओके। फ्री में हो सकता है क्या ऑनलाइन स्टडी, फॉर एग्जांपल यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है, तो नीट क्रैक हो सकता है क्या यूट्यूब से? हाँ, सिर्फ यूट्यूब से तो पक्का हो सकता है, यूट्यूब से ही मतलब मैं पढ़ाता हूँ अकेडमी से। yes, मैंने कोई इसका कोर्स ज्वाइन नहीं करा था। ओके ओके ओके। सो यूट्यूब आप कुछ रिकमेंड करेंगे कि चैनल, किसी के एक दो चैनल रिकमेंड करेंगे क्या नीट के लिए बहुत बेस्ट रहेंगे प्रिपरेशन गरीब के लिए? चैनल मैं रिकमेंड करूं अगर सो जैसे अन अकेडमी तो मैं बोल ही दूंगा, उसका तो चैनल है ही अन अकेडमी नीट। और बाकी चैनल में देखूं तो अन अकेडमी पर जो कंटेंट है वो मेरा कवर हो जाता है ज़्यादातर। यस। तो मैं इतना घूमूंगा नहीं, और आपका चैनल भी एक, उस पर भी आप अच्छे पढ़ाते हैं, मतलब मैंने देखा 2-3 वीडियोज़। ओके okay. नहीं हमारा चैनल तो नहीं आएगा उसमें, लेकिन मैं बड़े चैनल की बात कर रहा हूँ जहाँ पर 100% अगर हो सकता है, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो अन अकेडमी और मैं इसका नाम दूंगा एक वेदांतु का। वेदांतु। ओके। उन दोनों का एक दो चैनल्स हैं जहाँ पर आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम इसमें तो 50% बायो का होना चाहिए, तो बायो के लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा चैनल? बायो के लिए चैनल ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि मैं भी किसी फिक्स टीचर से नहीं पढ़ा। यस ओके। जिसका मुझे कंटेंट अच्छा लगता था मैं उसको ही फॉलो कर लेता था। यस राइट। जैसे कि आप बता रहे कि मोटिवेट हो गए यहाँ पर दक्षिणा फाउंडेशन में टीचर्स ने किया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी आई थी जब आप ड्रॉप लेकर पढ़ाई कर रहे थे उस साल में, मतलब इस साल में? ड्रॉप लेने के बाद एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इस बार क्रैक हो लेना चाहिए, वरना मतलब एक तरीके से घर वालों को थोड़ा प्रेशर होता है, सबको ही होता है थोड़ा बहुत, तो सबको ही होता है हाँ, कि अगर इस बार क्रैक नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत हमें डिमोटिवेट फील होगा, पेरेंट्स भी थोड़ा नाराज़ हो रहेंगे। ओके। और दोबारा पढ़ना पड़ता है एक बार 12th का 11th 12th का सिलेबस, तो वो मन भी नहीं कर रहा होता इतना अच्छे से। यस राइट। उसके लिए टीचर्स का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, और कभी कभार पढ़ाई करते करते इतना थक जाते हैं, इतना हेक्टिक हो जाता है कि अब तो बस छोड़ दो। उस टाइम जो टीचर का मोटिवेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यस। मेंटर बहुत अच्छे होने चाहिए, सिर्फ ना कि पढ़ाई में लेकिन आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे। हाँ, यही हाँ। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो और कौन सी नॉर्मल जैसे कि कुछ क्वालिटीज़ होती है स्टूडेंट, मतलब नीट एस्पिरेंट्स की, वो कुछ बताना चाहेंगे कि टॉप 3 क्वालिटीज़ जो होनी ही चाहिए हर किसी में? टॉप 3 क्वालिटीज़। यस। पहले तो फोकस तो होना ही चाहिए कि आपको करना ही करना है उस एग्ज़ाम को। यस। उसके लिए आपको चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े पर उसमें लगे रहो जब तक वो क्रैक ना हो जाए। Yes. एक तो फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी दूसरा मैं कहूँ तो फोकस के अलावा और कुछ है टॉप 3 क्वालिटीज? यस। हार्डवर्क हो सकता है क्या, स्मार्ट वर्क तो, हो सकता है? हार्डवर्क तो सबके लिए होता है कि हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा हर एग्ज़ाम के लिए। हार्डवर्क
ऐसा तो आप कह सकते हो क्योंकि नीट एग्ज़ाम या जे एग्ज़ाम सभी हार्डवर्क मांगते हैं, राइट है, और कंसंट्रेशन आपका जो हमेशा वही फोकस और कंसंट्रेशन सेम बात आ जाती है। यस राइट। ओके सो स्टूडेंट गैप कितने बार ले सकते हैं मैक्सिमम अगर बोलो तो? वैसे कुछ सिर्फ ट्राई करने के लिए बोलते हैं कि हाँ इस साल होगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा, लेकिन कितने बार मैक्सिमम ट्राई कर सकते हैं या फिर गैप में वो क्रैक कर सकते हैं? एक एवरेज स्टूडेंट बोलते हैं कि ईच ईयर 50 मार्क्स उसका बढ़ रहा है, जस्ट 50 बढ़ रहा है, 300, 350, 400 ऐसा बढ़ रहा है, तो मैक्सिमम कितने आपके अकॉर्डिंग गैप लेने चाहिए? वैसे तो आपने एक गैप में ही इतना करके दिखाया, सो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैक्सिमम गैप अगर मैं कहूँ तो अगर आप एक ड्रॉप ले चुके हैं तो दूसरे ड्रॉप के बाद या 3 ड्रॉप मैक्सिमम, क्योंकि तीन। उसके बाद इतना अच्छा से फोकस नहीं हो पाता। तो सपोज मान के चलिए अभी एक स्टूडेंट है हमारे पास और वो 3 गैप ले चुका है और उसका एक पर्टिकुलर 200-250 तक ही है, वो क्या उम्मीद रख सकता है क्या नीट अगर उसको पर्टिकुलरली 500 या फिर 550 के आगे लगता है एक नॉर्मल कॉलेज गवर्नमेंट, तो वो क्या उम्मीद रखेगा? देखिए उम्मीद तो मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा उम्मीद नहीं होती, बट अगर वो फोकस है, अगर वो चाहता है कि करना ही करना है मुझे, फिर तो वो जाएगा ही दोबारा उस कोचिंग में, मतलब दोबारा पढ़ेगा, तो उसके लिए तो उसको करना ही पड़ेगा मेहनत दोबारा। तो उनके लिए कोचिंग सबसे बेस्ट मतलब ऑप्शन रहेगा, अल्टरनेटिव रहेगा, क्योंकि घर पे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हाँ डीमोटिवेट तो रहेंगे 100% वो। 3 ड्रॉप के बाद तो पक्का कोचिंग ज़रूरी है ही है। राइट। सो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट बेस्ट कौन सा है और आपको मतलब उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है? एज सच मैं अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट कहूँ तो मेरे लिए हमेशा से बायोलॉजी रहा है, आपके क्योंकि अकॉर्डिंग कितने रहे उसमें अभी? 355 355। फाइव एक ही क्वेश्चन हाँ गलत हुआ है। ओके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 170 यस और केमिस्ट्री में 175। मतलब फिजिक्स का ही आपको मतलब आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ है इन दोनों के? फिजिक्स हाँ इस बार थोड़ा टफ था, लेकिन फिजिक्स में जो फोबिया होता है कि बच्चों को नहीं कर पाना, वो बेकार का है। अगर आप एक बार स्टार्ट कर दें फिजिक्स पढ़ना अच्छे से कंसेप्चुअल, ओके तो उसके बाद आपको ये नहीं है कि न्यूमेरिकल से डर लगेगा। हाँ फिजिक्स में हाँ 180 भी इतना मुश्किल नहीं है, ओके जो 2-3 मिस्टेक होती है वो सबसे हो ही जाती है नॉर्मली। अच्छा, तो आपने 700 ये क्रॉस कर लिया है, आपने जब सेकंड ईयर का मतलब सेकंड अटेम्प्ट देना स्टार्ट किया था तब आपने मन में पलप लिया था या फिर बाद में अचानक से बढ़ गया आपका टारगेट? मेरे मन में तो हमेशा से था कि टारगेट अच्छा ही लेके चलना है, ताकि एम्स या फिर दिल्ली में कट ऑफ वैसे ही ज़्यादा होता है, सो एमएएमसी एम्स तक पहुँचना ही है कुछ भी करके, ये सोच रखा था। तो उसके लिए 680 से ऊपर लाना था मुझे इस बार। 680 के ऊपर जो कि आराम से अचीव हो गए और एकदम से आप पार ही हो गए वो 680 या फिर 690 के अबव। यस एग्जैक्टली। आपने टाइम मैनेजमेंट में कुछ बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए, मतलब पर्टिकुलरली एक एवरेज बोलूँ तो टाइम इतना इस पर्टिकुलर पेपर के लिए या फिर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ऐसा कुछ है कि आपके पास फॉर्मूला? टाइम मैनेजमेंट का मेरे टाइम पे मैंने फॉलो तो ज़्यादा कुछ नहीं किया टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि एक जो बात थी मेरे साथ, अगर मैं टाइम टेबल बना दूँ ओके और उसको फॉलो ना कर पाऊँ अगले दिन, यस सो एक प्रेशर बिल्ड होता है मेरे माइंड पे कि यार अब नहीं हो पा रहा, कि फॉलो नहीं हो पा रहा टाइम टेबल। सो अपने टाइम पे तो मैंने टाइम टेबल ज़्यादा बनाए नहीं थे, लेकिन अगर मैं आइडियली बताऊँ तो यू शुड गिव 3 आवर्स टू बायोलॉजी ओके और 3 आवर्स या 2.5 आवर्स टू केमिस्ट्री, और 3.5 घंटे तो आपको फिजिक्स के लिए चाहिए चाहिए, क्योंकि फिजिक्स न्यूमेरिकल उसके लिए चाहिए होते हैं। ओके तो टोटल कितना हुआ? 3, 3, 6 और 9.5 घंटे हो गए, 10 घंटे कह रहा हूँ, 10 घंटे लेस। अराउंड, 10 घंटे अराउंड। तो कितना अगर कंटिन्यूअली बोलूँ 8-10 महीने कितना पढ़ना पड़ेगा एक ड्रॉप? सपोज अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुई है, रिजल्ट भी आया है, तो फिर से स्टार्ट करने में मतलब ड्रॉप लेने में और 2 महीने 3 महीने तो जाएंगे तो फिर से एग्ज़ाम आ ही जाएगा, तो कितना समय देना चाहिए एग्जैक्टली? पर डे नहीं, मतलब 8 से 10 महीना इसके बीच में कितना समय देना चाहिए? हाँ 8 से 10, आई कैन स्टैंड, दोबारा बोलिएगा एक बार। मतलब 8 से 10 महीने हैं आपके पास अगर दूसरा एग्ज़ाम आने वाला है तो 10 घंटे देना पड़ेगा या फिर कम ज़्यादा? 10 घंटे तो एटलीस्ट चाहिए चाहिए पर डे। कितने महीने देना पड़ेगा एक अटेम्प्ट के लिए? एक अटेम्प्ट के लिए आपको 7-8 महीने लगेंगे लगेंगे 7 से 8 महीने लगेंगे। आपने कितना दिया था? 8 महीने मेरे अकॉर्डिंग ना, मैंने 10 मंथ लिए थे, 10 मंथ्स लिए थे कम्प्लीटली। दिसंबर 4 से लेकर सितंबर 12। यस ओके सो ऑडियंस को बताना चाहूँगा अगर आप कैलकुलेशन में कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए, 10 महीने का
10 घंटे के अनुसार। तो इतना कुछ हार्डवर्क लगता है और इतना कुछ सच में रियलिटी में बोलूँ तो मेहनत इतना लगता ही है। एवरेज अगर बोलूँ तो 10-12 घंटे एक स्टूडेंट के लिए लगते ही है नीट का प्रिपरेशन करने के लिए। 10 एक नॉर्मल और एवरेज है, इसे कम तो बोल ही नहीं सकते। यस करेक्ट ना? यस यस। पुअर स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? अगर बहुत ही पुअर स्टूडेंट है तो वो क्रैक कैसे कर पाएगा? वैसे तो करने वाले तो करेंगे, लेकिन एक एडवाइस क्या रहेगी आपकी पुअर स्टूडेंट के लिए? अगर मैं एडवाइस दूँ सो एनसीईआरटी से एग्ज़ाम आता है इस बार, तो 2020 में भी एग्ज़ाम एनसीईआरटी से आया था और 2021 में भी एनसीईआरटी से एग्ज़ाम आया था। सो एज सच कोई है नहीं कि कोचिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ऑनलाइन भी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है आप अपनी एनसीईआरटी बुक से भी कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा आपको कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए और थोड़ा आपको मेंटर या फिर स्कूल टीचर थोड़े अच्छे मिलने चाहिए ताकि वो समझा सके कि एनसीईआरटी के बीच की लाइनों में क्या लिखा है। यस राइट एग्जैक्टली। और स्टेट बोर्ड के लिए क्या बोलेंगे? अगर स्टेट बोर्ड का कोई है पर्टिकुलरली, मैं जैसे महाराष्ट्र का हूँ तो महाराष्ट्र का स्टूडेंट क्या करेगा? उनका सिलेबस अलग होता है सर। यस एग्जैक्टली अलग होता है। तो वो क्या करना चाहेगा, 11th से पढ़ेगा या फिर बाद में? तो उसका एक तो ड्रॉप लगेगा, 1-2 लग सकता है। तो वो क्या पहले से ही उसको एडवाइस देना चाहेंगे कि पहले से आप एनसीईआरटी बुक्स लेके पढ़ो या फिर बाद में? पहले से स्टार्ट कर दो क्योंकि आपको ड्रॉप लेना ही लेना है। यस अगर आप 11th-12th में अर्ली स्टार्ट कर लेते हैं सो थोड़ा बहुत आपको बिल्डिंग हो जाएगा फाउंडेशन। यस तो ड्रॉप ईयर में आपको इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा कि आपका स्कोर बूस्ट हो जाए। ओके सो मैं और एक बात ऐड करना चाहूँगा, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा है? फाइनेंशियल सपोर्ट इतना अच्छा नहीं था, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था फाइनेंशियल सपोर्ट में मेरे। बस यही था कि कोचिंग दक्षिणा में एडमिशन हो गया था तो मैं चला गया वहाँ क्योंकि वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट था। एग्जैक्टली। दक्षिणा फाउंडेशन एक एनजीओ है जहाँ पर आपको बहुत सारा फ्री मिलता है, मतलब एग्जैक्टली 100% तो फ्री में दिया जाता है। लेकिन इतना बड़ा बात तो है और इसीलिए तो हर कोई बोलना चाहता है, अपना क्रेडिट उनको देना चाहता है। सो ये बहुत बड़ी बात है, इंस्पिरेशन तो हर एक स्टूडेंट के लिए है ही उनका। आप वैसे दिल्ली से कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से शास्त्री नगर। दिल्ली शास्त्री नगर। सो स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा, हम दिल्ली से अपने स्टूडेंट के साथ कनेक्ट है जो कि बहुत इंस्पिरेशनल सिर्फ आपके लिए है, इसीलिए हम यहाँ पर कनेक्टेड है। सो और एक हम बात यहाँ पर कहना चाहेंगे कि 700 का टारगेट रखे थे, सो 720 में क्या कमी रह गई थी? एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो 720 में कोई कमी नहीं थी, बस वहाँ का जो माइंडसेट था पेपर का, पेपर में वो चार क्वेश्चन एक तरीके से नज़रअंदाज हो गए, गलती से गलत हो गए। गलती से गलत हो गए। चारों को कंसेप्ट भी आता था, सब कुछ आता था कि गलत होने वाली कोई बात थी नहीं उन चारों क्वेश्चन में। वहीं पर अंदाज लगता है कि हमें कि 700 मिलने वाले हैं या फिर हम इतना इतना कर पाए हैं, वहीं पर टाइम होता है कि हाँ हमें इतना मिल जाएगा। आप चेक किए थे कि वहाँ पे? वहाँ पर मैं जब एग्जाम हॉल से बाहर निकला था तो इतना श्योर था कि 680 तक तो आ जाएगा। ओके 680 वहाँ पर ही आपको पता चला कि 680 के अबव मिल जाएंगे, जो भी सपना था आपका। यस बहुत कुछ है रियलिटी में, अगर 700 वही है तो इंस्पिरेशन है और इतना कुछ सीखने को मिला ही है तो बहुत कुछ है। सो फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि 11th से अगर किसी को स्टार्ट करना ही है नीट, उसका मन में है MBBS उसके मन में है, तो वो 11th से कैसे एकदम शुरू से कैसे स्टार्ट करें? 11th से एकदम शुरू से एकदम शुरू से कैसे स्टार्ट करें? 11th से अगर आपको स्टार्ट करना ही है तो आपको एक तो ज़रूरी है कि आप कोचिंग के मॉड्यूल्स आपको पढ़ते ही हैं ज़रूरत, क्योंकि कोचिंग मॉड्यूल्स में क्या होता है कि आपको सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस एक जगह मिल जाते हैं। तो वो आप अगर अरेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और जैसे जैसे टीचर पढ़ाया जा रहा है आपको वैसे वैसे उस पेज से रिवाइज करते रहिए। अच्छा। और जब चैप्टर ख़त्म हो जाए तो उसको एक पूरा ओवरव्यू दे दो चैप्टर को और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। ओके बहुत बड़ी ये सीख है, अगर कोई भी 11th स्टूडेंट है तो उसको रियलिटी में ये मिलना ही चाहिए। और एक बात और कि बायोलॉजी में बच्चे पूछते हैं क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने चाहिए पर डे। यस मेरा जो पर्सपेक्टिव है कि कुछ बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा लगता है और कुछ बच्चों को जैसे मेरी तरह कि मेरा क्वेश्चन करने में मन ही नहीं करता था बायोलॉजी के। अच्छा। तो मैंने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ ली थी। अच्छा। तो ऐसा कुछ है नहीं कि बायोलॉजी में आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने चाहिए। बायोलॉजी में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे टाइम टू टाइम बार बार तो उससे भी काम बन जाएगा आपका। यस राइट। सो आपने मॉक टेस्ट या फिर मैं बोलूँ कि टेस्ट कितने दिए थे? आपके वैसे तो कोचिंग में है लेकिन आपको टोटल है क्या पता कि इतने इतने मैंने पर्टिकुलर सॉल्व किए थे एक साल के अंदर?
टेस्ट अगर मैं आपको बताऊं, मेरे अराउंड 40 और 45 टेस्ट तो मेरे कोचिंग से ही हो गए थे, यस और मैंने अपने एंड पे प्रिंट करवा के खुद हाँ 50 या 55 और दिए थे, सो 100 तक हो गया था मेरा। तो सो कंप्लीट 100 जो कि 100% सिलेबस पर है या फिर कुछ आधा अधूरा? 100% सिलेबस कवर हो जाता है। 100% जो कि 720 मार्क्स से आपने लगभग 100 क्वेश्चंस पेपर किए थे, 100 टेस्ट दिए थे, वो अकॉर्डिंग टू टाइम दिए थे या फिर ऐसे ही सॉल्व किए थे? अकॉर्डिंग टू टाइम, हमेशा अकॉर्डिंग टू टाइम, हमेशा 3 घंटे एकदम लगातार, जैसे कि मतलब बोलो तो आपका 100% बोलो कि 100 पेपर्स आपके पहले ही हो गए थे इसलिए आप इतना बड़ा कर पाए हैं। और एक बात और कि आपको 100 पेपर सिर्फ ऊपर से करने नहीं है, यस ऊपर से देखना है। क्वेश्चन क्वेश्चन करा आपने सो उसका कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत पीछे का जान लेना चाहिए, तभी आपको उन 100 पेपर से पूरा आउटपुट मिल पाएगा, वरना आउटपुट पूरा नहीं मिल पाएगा। यस तो मॉक टेस्ट के दौरान या फिर जो भी टेस्ट करते थे ये 700 तक जाता था तब या फिर नहीं? मॉक टेस्ट में तो आई थिंक बहुत कम बच्चों का 700 टच होता होगा, मेरा अराउंड 620, कभी 600, कभी 550, कभी कभी 500 भी गया है। तो वहाँ पर डीमोटिवेट तो होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे 600 इस तरह जा रहे हैं तो 700 कैसे रीच होगा? उससे डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर होता है नीट से। अच्छा। और जब आप नीट का एग्ज़ाम रियली देने जाते हैं तो सिंपल तो वो बहुत नीचे होता है। अच्छा, तो आपका कहना है कि नीट का एग्ज़ाम सिंपल होता है अगर आप आपकी बात करें तो लेकिन मॉक टेस्ट से कंपेयर करें तो, लेकिन आपको कैसा लगा अगर मैं जनरली पूछूँ तो? नीट का एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का था, फिजिक्स थोड़ा टफ था इस बार का, बाकी बायोलॉजी बहुत सिंपल आया था इस बार, और केमिस्ट्री में भी एक दो क्वेश्चन थोड़े थ्योरेटिकल थे, बाकी पूरी केमिस्ट्री सिंपल थी। वैसे फिजिक्स अगर वो जेई के बच्चों को दे तो वो बोलेगा कि हार्ड था या फिर मॉडरेट था? जो जेई का बच्चा है वो उन क्वेश्चंस को सारा कर लेगा हाँ, लेकिन जो स्पीड है जेई के बच्चे की वो थोड़ी कम होती है क्योंकि उनको टाइम ज़्यादा मिलता है। ओके, उनको टाइम कितना है? 6 आवर का होता है, आपको 3 ही आवर का होता है, वो मतलब 45 मिनट्स का होता है। जेई मेंस में होते हैं 3 घंटे में 75 क्वेश्चन। अच्छा, यस बहुत बढ़िया। लगभग मैं बोलूँ तो बहुत कुछ इस वीडियो से जो भी हमारे एस्पिरेंट्स है या फिर स्टूडेंट्स है 10th की 11th के वो तो बहुत ज़्यादा सीख ही जाएंगे, लेकिन आपका इस वीडियो से और सबके लिए मैसेज कहाँ रहेगा, लास्ट वाला मैसेज जो आप उनको सजेस्ट करेंगे या फिर देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे आप एक उनके बड़े भाई मानकर? एडवाइस मैं ये दूंगा कि आपके मन में जब भी है कि आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है, स्टार्ट फ्रॉम दैट डेट सेल्फ, उसी दिन से स्टार्ट हो रहा हो, मेहनत करना और एकदम फोकस से करो, और जितना पढ़ सकते हो जितना कंसाइज रहोगे अपने प्रिपरेशन में उतना अच्छा होगा आपके लिए। यस 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 एग्जैक्टली। सो टारगेट का एक लास्ट मैं बोलूँगा कि हमारे स्टूडेंट के लिए टारगेट का एक मीनिंग और एक हिंट दे के जाइए कि टारगेट कैसे रखे। टारगेट आप अभी फिक्स करेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा ज़्यादा होगा नहीं। आप धीरे धीरे आप मॉक टेस्ट देंगे तो मैं तो कहूँगी टारगेट आप कुछ ऐसा फिक्स मत रखिए, आप ऐसा बोल दीजिए 650+ या 620+। अच्छा, आप एग्जैक्ट नंबर पे रहेंगे तो वो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। Exactly. क्योंकि अगर उससे थोड़ा कम ज़्यादा होता है तो फिर डीमोटिवेशन वाला फंडा आता ही है। यस राइट। सो स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो से, मतलब पर्टिकुलरली हमारे जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है कुशल से बहुत कुछ मुझे भी अलग बातें सीखने की मिली है कि जैसे कि टारगेट हम फिक्स नंबर नहीं पकड़ सकते, दूसरा है कि टाइम मैनेजमेंट, आप अगर कुछ लिखते हैं कि इतने पर्टिकुलर चीज़ें होनी है या फिर करना है तो वो अगर नहीं होता तो हम फिर से डीमोटिवेट होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो एक बार मैं और भी इनसे सीखा हूँ कि आप कुछ फिक्स नहीं लगा सकते, अगर करना है तो वो अपने आप होता रहेगा, अपना आप हो जाएगा। और तीसरी बात ये जान ली कि आपको फिक्स्ड कभी अगर रख दिया है तो वो होने की चांसेस इतने भी नहीं होते, कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है कभी कभी। यहाँ पर हमने कभी फिक्स किया है कभी फिक्स नहीं किया होता है, लेकिन इन्होंने एक 12th के बाद या फिर 12th के चालू में जनवरी 2020 में स्टार्ट किया, अचानक से आया और अचानक से हो भी गया। सो आपको ऐसा डीमोटिवेट नहीं होना है कि यार इतना हार्ड है, हार्ड तो कैसे किसी बात को नहीं मानना है, यही मैं इस वीडियो से अगर सम अप करूँ तो और इनके शब्द से सम अप करूँ तो यह निकल के आता है। सो लास्ट में क्या कहेंगे? और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि यही नहीं है कि आपको, अगर आप चाहें तो जेई और नीट के दोनों रास्ते अगर चुन सकते हैं पीसीएमबी लेकर, सो वो अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए, क्योंकि अगर आपके पास प्रेशर नहीं होता माइंड पे कि अगर आपको जेई क्लियर नहीं हुआ तो नीट निकल जाएगा, थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है उससे माइंड पे, बस और कुछ नहीं होता, मेहनत ज़्यादा लगती है पर प्रेशर बहुत कम हो जाता है।
यस यस कुशल, थैंक यू सो मच। रियली इस वीडियो में बहुत कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़ जाएंगे और उनको सीखने को जरूर तो मिलेगा। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो में कुछ बहुत सारी अजब अजब बातें हैं जो डिफरेंट भी लगेंगी किसी किसी को। वो ईच बात जो आपने बताई है, क्योंकि सक्सेसफुल है इसीलिए बता रहा हूँ, और 100% फोर्स डालूंगा इस बात पर। ईच बात अगर फॉलो करेंगे तो 700 जो स्टूडेंट ला रहे उसकी बात आपको मानने में कोई बिगाड़ या फिर कुछ मैं बोलूँगा तो नहीं हो जाएगा, कम नहीं पड़ेगा। सो 100% ये बात मान लीजिए और इस स्टूडेंट से आप इंस्पायर हो जाइए और आप भी अपने जीवन में कर जाइए। अपने स्टूडेंट्स को, आने वाले एस्पिरेंट्स को आपका एक मोटिवेशन, आपका एक इंस्पिरेशन और आपके सजेशन एडवाइस जो भी है वो मिल जाएगी और 100% उसका जो भी फ़ायदा है सक्सेस पाने में वो हो ही जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड बाय। हैव अ नाइस डे। Nice to you.